दोस्तों, जब कोई संज्ञेय अपराध संगठित होता है उस वक्त पुलिस वाले अरेस्ट पर उतर आते हैं, फिर बेल का चक्कर चली आती है। उस वक्त एक डर सा सताता है। तो पुलिस किन किन वक्त पर किन किन वजह से अरेस्ट करती है, फिर कैसे हम बेल ले, इसका जानकार होना बहुत जरूरी है। जानकारी ही एकमात्र बचाव है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपका मृत्युंजय नाथ कानून का जानकारी लेकर आपके सामने आया। गिरफ्तारी और जमानत को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिए, जो कि अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले के जरिए। इसी अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य को लेकर मैं एक कविता लिखने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, बेल और अरेस्ट दोनों के हाथ से बचे तथा दोनों को बारे में जरा समझे कविता के जरिए। कविता कुछ ऐसा है। बाद मुद्दतों के अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य के जरिए जमानत और गिरफ्तारी पे ऐतिहासिक फैसला सुनाए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। छम छम झरना बहने लगी कानून के गलियारों में। हालांकि मामला था घरेलू हिंसा और दफा 498A का। मारे डर गिरफ्तारी का पति ने सहारा लिया धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल का। गहरा सांस लेने का प्रयास बीच वादी आए। कॉग्निजेबल प्रकृति के मामले में पुलिस वाले के शक्ति है, बगैर वारंट के पकड़ सकते हैं। बीच भवंडर में कश्ती फंसने का डर सताता है। आम लोगों को पता कहाँ है, मीठी पानी का स्रोत कहाँ बहता है। सीआरपीसी की धारा 41 खंड 1 उपखंड बी में गिरफ्तारी का कुछ विधि दी गई है। साफ अक्षरों में ये लिखा गया है, तब तक पुलिस वाले को धर पकड़ नहीं करना है जब तक सजा 7 साल के ऊपर नहीं दिया गया है। उचित संदेह, विश्वसनीय जानकारी, वाजिब शिकायत भी जरूरी है। अनजान फितरत के कसमाकस लड़ाई में पुलिस वाले जूझ रहे हैं। पड़ता है आरोपी की उपस्थिति दर्ज कराने, साक्षी को है टेम्परिंग से बचाने। आगे चल के आरोपी कहीं और गुनाह ना कर बैठे, गिरफ्तार करना पड़ता है इन्हीं वजह से। 57 का बात है निराला, चिड़िया भी बाज निकला। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा है हिरासत में रखना। इन 24 घंटों में अगर जांच पड़ताल पूरी नहीं होता, फिर धारा 167 का है चौखट खटखटाना। क्योंकि यहाँ निर्देश है एक और बैठा, आरोपी को है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना। मजिस्ट्रेट भी इंसान है, कभी कभी चूक जाते हैं, फिर पुलिस वाले मौका फरस्त बन जाते हैं। अच्छे बुरे में अंतर कम जाता है। होनी को भला कौन टाल सकता, अच्छाई को भला कौन रुक सकता। देर से आया पर दुरुस्त आया, अर्नेस्ट कुमार के जरिए गिरफ्तारी का नया निर्देश आया। पुलिस वाले को भी वजह बताना पड़ेगा, और गिरफ्तार नहीं तो यहाँ भी वजह देना पड़ेगा। वक्त जरूर 2 हफ्ता मिल जाता, न्यायालय की अवमानना का दफा भी लग सकता। और अगर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा तो रॉन्गफुल रेस्टेंट का भी दफा लग सकता, जो कि दफा 341 और 342 में है दिया गया। में मजिस्ट्रेट को है विवेकपूर्ण दिमाग उपयोग करना, वजह उनको भी है रिकॉर्ड करना। इसी के साथ यह नजीरी कविता समाप्त हुआ। धन्यवाद।